तो आज है 15 तारीख और 15 फरवरी है और दिन है ये सवेरे का, और इस समय देखिए बज रहे हैं 8:15, 8:15 बज रहे हैं और सवेरे का समय है और धूप में काफ़ी तेज़ी आ गई है। अब तो ये शिवांगी लिए बैठी है, ब्लाउज सिल रही है। खाली समय में ना हम लोग ना खाली नहीं बैठते, तो अपना कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो ये प्रिया के बहुत सारे ब्लाउज सिल रही है, साथ में ये स्वेटर भी सिल बना रही है ना। ये स्वेटर को इसने पूरा कर लिया है ना, ये बना लिया है, आधे में डिजाइन डाल के आधा प्लेन बनाया है। सिया गया है। अच्छा, और ये बनाया है ये सब पे ब्लाउज, हुक रह गए हैं। ये ब्लाउज सिल रही है। 3-4 ब्लाउज कर लिए इन्हें तैयार, हुक लगा रही है, बैठ के लेके आ गई है। मशीन पे नहीं सिल रही है, तो हाथ का काम जो है वो यहाँ ही बैठ के कर लेगी। बस यही चल रहा है इस समय। और ये मैंने एक स्वेटर डाल लिया था क्योंकि मैं थोड़ा सा नाश्ता पानी करके ना सवेरे का, उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो काम करके रेस्ट लेते हैं, तो फिर बीच में ये स्वेटर सही कर रही हूँ और इसको बना रही हूँ। और बच्चों का आ गया है नाश्ता, तो ये है नाश्ता। नमक के जवे हैं, मटर वाले जवे बनाए हैं, मीठी और नमकीन दोनों तरह की चटनी है। और मन्नू खा रहा है, साथ में ब्रेड के छोटे छोटे ना कटलेट बना दिए हैं मन्नू के लिए, तो वो खा रहा है। जो भी अच्छा लगे खा लेगा, आजकल इसकी तबीयत सही नहीं है, जुकाम बहुत ज़्यादा है, तो ये मन से नहीं खा रहा है। और ये हो गई थी दोपहर, तो हमने बनाई है कढ़ी। आइए कढ़ी से खा लीजिए आप लोग भी। चावल बनाए, रोटी है, कढ़ी है। दोपहर तक का तो ये सब कुछ हो गया है, खाना पीना बढ़ गया। और ये चला रहा है और ये बहुत परेशान करता है, इसलिए मुझे नीचे जाना पड़ा क्योंकि चला रहा है। घर में बंद है ना तो फिर रोने लगता है। साइकिल, अब मैं बैठ गई हूँ तो ये साइकिल चला रहा है यहाँ आसपास में। हम इधर के आगे जाके साइकिल चला रहा है, अम्मा के घर के आसपास ना। अम्मा के जाने के बाद इतना चला, बैठ के आओ, देखने को जी नहीं करता, उतरने को जी नहीं करता। मैं तो कह दो खाना था तो आप बैठ के, भी बच्चों के लिए उतरना पड़ता है, कहीं आने जाने को भी जी नहीं करता ना। आजकल मौसम ही इतना वैसा था, धीरे 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 भाई धीरे धीरे, तो फिर ज़्यादा जाने की इच्छा नहीं करती कहीं। मनु जबरदस्ती उतार के लाया है तो फिर मैं आ गई हूँ। और मनु से साइकिल, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बात चलाई, साइकिल चला रहा है। अब चलते हैं घर सीधे। बढ़िया। और देखिए ये है 16 तारीख की सुबह और इस समय मैं बना रही हूँ ये आंवले। मैंने बॉयल्ड करे हैं, देखिए एक मैंने डोंगे में या भगोने में पानी रख दिया था 1 गिलास के करीब, और उसको बॉयल्ड होने लगा जब वो, तो उसके ऊपर चन्नी में करके ये रख दिए थे ना। बड़ी चन्नी थी और बड़ा भगोना था, तो एक एक करके आ गए थे। फिर मैंने उसको 10 मिनट तक बॉयल्ड किया और बॉयल्ड करने के बाद ढक दिया था ऊपर से। इनको इस तरह से मैं खोले ले रही हूँ, तो ये कैड़े हैं, अभी ज़्यादा बॉयल्ड नहीं हुए हैं लेकिन इतने हो गए कि आराम से इनकी ना फलियाँ सी कट जाएँ, खाँप कट जाएँ। और इसके बाद मैं इनको चीनी की चाशनी में हल्का सा काला नमक डाल के बॉयल्ड करूँगी, उसको बिल्कुल चाशनी को इसी में ख़त्म कर दूँगी। बस इतनी ही बनाऊँगी जिसमें ये थोड़ा अच्छी तरह से बॉयल्ड हो जाए, ज़्यादा नहीं करने, ओवर कुक नहीं करना है इसको, थोड़ा हाफ़ ही रखना है, हाफ़ कुक ही रखना है। तो हाफ कुक करने के बाद मैं इनको फिर चलनी में निकाल लूँगी और फिर सुखा दूँगी धूप में। तो आंवला कैंडी बना रही हूँ। ये देखिए आंवला बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मुझे फ़ायदा कर रहा है तो मैं आपको बताऊँ, ये हर उम्र में हर किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसका सेवन ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग ऐसे आंवला नहीं खाना चाहते हैं तो मुरब्बे के रूप में खाइए, मुरब्बा नहीं खाते तो आंवला की कैंडी बनाइए। और बनाने के लिए देखिए सस्ता और सुलभ बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से आंवले को उबाल लीजिए, उबालने के बाद देखिए इसमें थोड़ा सा चाशनी में इसको डाल के बॉइल्ड कीजिए, उसके बाद चलनी में रख दीजिए। चलनी में रखने के बाद उसे धूप में सुखा दीजिए। आजकल तो धूप भी अच्छी कैंडी निकलने लगी है, तो उसमें सुखा दीजिए। मैं भी सुखाने जाऊंगी अभी इनको ना, बॉयल्ड कर लूँ उसके बाद ऊपर, तब मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने भी चलनी में करके ही रखना है इनको, और ये सूख जाएंगे तो कम से कम 2 दिन लगेंगे इन्हें सूखने में, 1 दिन में तो नहीं सूखेंगे क्योंकि इनकी मोटी मोटी खांपे हैं। और मैं इसको ना कम से कम 5 या 6 यानी 1 आंवले के बराबर की रोज़ खाती हूँ नियम से। ये जब से आंवला बाज़ार में आना शुरू हुआ है ना तब से मैं खा रही हूँ, और अभी जब तक आंवला बाज़ार से बिल्कुल गायब नहीं हो जाएगा तब तक खाती रहूँगी, क्योंकि आंवले की जो अहमियत है वो कभी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी तब आप देखिएगा, बहुत है। तो इनको, और आजकल गाजर बहुत चल रही है उसको आप जितना ज़्यादा खा सकते हैं उतना खाइए। और ये मैंने देखिए मेथी सुखा रखी है थोड़ी सी ना, मेथी सुखा दी। और ये रही मेरी आंवला कैंडी, आप लोग देख रहे हैं थोड़ा डार्क कलर हो गया, शाम तक ये काफ़ी डार्क हो जाएंगी यानी सूख जाएंगी काफ़ी। और अब चलते हैं कमरे में, आप लोगों से करते हैं बातें।
काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बातें नहीं हुई, तो थोड़ी देर बात करेंगे और उसके बाद फिर 4-6 दिन बाद आप लोगों से मिलेंगे। तो चलिए अंदर बैठ जाती हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मैं बैठी हूँ इस समय स्टोर रूम में, ऊपर ना बाहर धूप बहुत तेज़ है, तो मैं अंदर आके बैठ गई हूँ। मैंने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि मैं आजकल डेली ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, तो आप लोगों का रुझान देखते हुए मैंने थोड़ा अपने ब्लॉग में चेंज कर दिया है, जो आप लोगों को शायद अच्छा लग रहा है और व्यूज़ भी सही आ रहे हैं उस पर, तो वो डालने शुरू कर दिए हैं। और अच्छे लग रहे हैं तो अच्छी बात है। और डेली ब्लॉग में ना हफ्ते में 1-2 ही अपलोड करूँगी, बस 1-2 डालूँगी, उससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। और तो मैंने ना जो अपनी वीडियो थी ना डेली ब्लॉग वाली, वो थोड़ी कम कर दी हैं। तो कम मैंने इसलिए की हैं आप लोगों की वजह से, क्योंकि मेरी वीडियो पर ना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे, और आप लोगों ने देखा होगा कि जब व्यूज़ नहीं आते तो इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है, थोड़ा उसको लगता है सारी मेहनत बेकार है। वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो जब कोई वीडियो बनाए और फिर उसके बाद उसको एडिट करे और फिर डाले पोस्ट करे, तो पता चलता है वीडियो ऐसे नहीं बन जाती, बहुत मेहनत लगती है। और उसके बाद व्यूज़ कमाएँ तो फिर अच्छा नहीं लगता। बस इसी वजह से मैंने थोड़ा सा अपनी वीडियो को शॉर्ट कर दिया है और आप लोगों के लिए सब्जेक्ट बदल दिया है। बीच बीच में मैं और भी कई चीज़ों पे, देखिए हेल्थ के ऊपर मैं ज़रूर 1-2 वीडियो बना देती हूँ, तो वो भी डालूँगी। लेकिन अब ये जो फिल्मों वाली चल रही है, ये सीरीज अच्छी है, आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो इसी तरह से चलती रहेगी फिल्मों के बारे में। और डेली ब्लॉग हफ्ते में 1 या 2 इस तरह से मैं डालूँगी, जो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ उस हिसाब से डालूँगी। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए और इसी तरह देखते रहिए प्लीज़। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह देखते रहिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि उसमें क्या कमी थी या क्या अच्छी थी, ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, लेकिन अभी नहीं, 2-3 दिन बाद मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए इसी तरह से।